भूकंप से कांपा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप के झटके। अभी इसकी तीव्रता का पता नहीं चला है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। पूरा उत्तर भारत भूकंप से कांप गया है। अभी तक जो सूचना आ रही उसके हिसाब से करीब 5 की तीव्रता का भूकंप आया है। ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 बताई जा रही है अभी तक जो सूचना जो खबर आ रही है। कश्मीर में भी भूकंप के झटके हैं। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके, उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने ऑफिस से बाहर निकल के खुले मैदान की तरफ भाग गए, पहुंच चुके हैं। और अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 की है। 5 की तीव्रता का ये भूकंप है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, और अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र था और जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 की थी और इसका केंद्र अफगानिस्तान था, जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली एनसीआर में, हर जगह महसूस किए गए। और काफी देर तक लोगों ने इसके झटके महसूस किए हैं। लोग अपने ऑफिस से निकलकर, घरों से निकलकर खुले मैदान की तरफ पहुंच चुके हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जब ये भूकंप आया तो चीजें हिल रही थी। ये स्टूडियो की तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान इसका केंद्र था और जिसकी तीव्रता 7.1 मापी गई, और पूरे उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर, हर जगह इस भूकंप को महसूस किया गया, इस झटके को महसूस किया गया। इसका केंद्र अफगानिस्तान था और 7.1 जो कि बड़ी तीव्रता मानी जाती है, इससे अभी तक तो कोई खबर, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन ये जो तीव्रता है 7.1, ये तीव्रता काफी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान इसका केंद्र था और इसके झटके पूरे उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, हर जगह, यूपी के भी कुछ हिस्सों में इसकी तीव्रता में इसके झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र इसका अफगानिस्तान था। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके, जम्मू कश्मीर में दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा इसको महसूस किया गया क्योंकि इसका केंद्र अफगानिस्तान था। 7.1 तीव्रता का ये भूकंप आया है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है जानमाल के नुकसान की, लेकिन 7.1 की तीव्रता का भूकंप काफी तेज माना जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी और इसका केंद्र अफगानिस्तान था। और अफगानिस्तान, जैसा कि आपको बताने की, कि प्रो अर्थक्वेक जोन माना जाता है। यहाँ पर आए दिन भूकंप के छोटे मोटे झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन ये जो 7.1 तीव्रता का भूकंप आया ये काफी ज्यादा है, जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तेजी से पंखा हिल रहा है और लोग जैसे ही इस भूकंप के झटकों को महसूस किया तुरंत अपने ऑफिस से घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान की ओर पहुंच गए हैं। गनीमत यह है कि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हम आपको बता दें कि 7.1 तीव्रता का भूकंप काफी ज्यादा होता है। हम आपको बता दें कि जो नेपाल में आया था 25 अप्रैल 2015 को वो भूकंप उसकी तीव्रता 7.8 थी और आज जो आया है अफगानिस्तान जिसका केंद्र था वो 7.1 की तीव्रता का भूकंप है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई छोटा मोटा ये जो झटके महसूस किए बहुत तेज थे और केंद्र इसका अफगानिस्तान था और ये काफी तेज तीव्रता का भूकंप था 7.1। 2015 में आपको बता दें कि जो नेपाल में भूकंप आया था वो 7.8 से 8.1 की तीव्रता का भूकंप था जिसमें हम सभी जानते हैं कि जान माल की कितनी हानि हुई थी, कितना नुकसान हुआ था। और आज जो ये झटके महसूस किए गए शाम करीब 5:12 पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, 7.1 इसकी तीव्रता थी और केंद्र इसका अफगानिस्तान था और जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में, यूपी के भी कुछ इलाके में और जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर हर जगह इसके झटके महसूस किए और काफ़ी देर तक इसके झटके महसूस किए गए। 7.1 तीव्रता का ये भूकंप के